हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। LIC डबल AO मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जो दो तीन साल से वैकेंसीज नहीं आई थी, LIC डबल AO ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। उसके डेट, सिलेबस और क्या क्या चेंजेज की गई हैं, उसके सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की क्या क्या बात की गई है, क्या क्या एग्ज़ाम्स पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, मैं सारे के सारे डिटेल्स आप लोगों को दूंगा। मैं माफ़ी मांगूंगा कि कुछ टेक्निकल कारण के कारण कुछ दिनों से वीडियोस में बना नहीं पा रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, LIC डबल AO के जितने भी डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को सारे न्यूज मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन फ्रेंड। LIC ने डबल AO के 5 पार्ट्स में वैकेंसी रिलीज की है। डबल AO जेनरलिस्ट, जिसके लिए SC के लिए 55, ST 35, OBC 85, EWS 35 यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उनके लिए, और UR के लिए 140, टोटल 350 वैकेंसी डबल AO जेनरलिस्ट के लिए जारी किए गए हैं। IT में 150 वैकेंसी टोटल, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 50, एक्चुरियल के लिए 30 और राजभाषा के लिए 10 वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी न्यूज आ की है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सारे जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो रिजर्वेशन पर्संस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको जो भी डिसेबल है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की जगह जो प्रावधान है वो भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, एक और न्यूज है फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेमेंट जो है वो 2 मार्च यानी कि आज से ही स्टार्ट है फ्रेंड, और लास्ट डेट 22 मार्च 2019 तक चलेंगे, यानी कि 2 मार्च से 22 मार्च तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम्स जो है कॉल लेटर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिमली एग्ज़ाम के डेट 4 और 5 मई को फिक्स किए गए हैं, जो टेंटेटिव डेट है, यानी कि अगर कुछ कारणवश इसको अगर बदलना पड़े डेट तो वो बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा 90% 95% ऐसा नहीं होता है। और इसके मेन्स के डेट 28 जून 2019 को दिए गए हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो आप पहले प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग जो भी है, आपको डेट 4 और 5 मई को प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम्स 28 जून को लिए जाएंगे। और इसमें कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रेंड्स, कि इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स, जो 1 मार्च 2019 तक जिसके 21 साल पूर्ण गए हैं वो, और मैक्सिमम एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि 30 साल 30 ईयर्स से मोर देन 30 ईयर्स कोई भी इस वैकेंसी को नहीं भर सकता है। लेकिन कुछ जो भी SC ST OBC इन सब के जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो एज यूजुअल इसके रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डबल AO जनरलिस्ट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी अगर आप स्ट्रीम के हैं जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसके भी हैं, तो आप डबल AO जनरलिस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और IT सेक्टर में आप इंजीनियरिंग और इन कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग आपका हो, या IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, या MCA आपने किया हो, या MSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो आप IT में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डबल AO चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको किसी भी बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए वो, और फाइनल एग्जामिनेशन उसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसने पास किया हो, यानी कि CA की डिग्री आपको चाहिए। और डबल AO एक्चुरियल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट शुड हैव कंपल्सरी पास्ड पेपर CT1 एंड CT5 प्लस 4 मोर देन पेपर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एक्चुरीज इन इंडिया। ये आपको डबल AO एक्चुरियल के लिए आपने CT1 अगर CT5 प्लस 4 आपने किया है तब आप भर सकते हैं। और राजभाषा के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास हिंदी से है और आप ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश को, तो आप राजभाषा डबल AO राजभाषा के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिक पे इसके 32,755 रुपये पर मंथ, और भी जितने भी अलाउंसेज हैं CA DA जो भी हैं सारे कुछ आपको मिलेंगे। कुल मिला के आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 43,000 के अप्रोक्स में आपको सैलरी मिलेगी, और सिटी वाइज आपके वैरी करेंगे कि कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं, उस हिसाब से आपके अलाउंसेज भी वैरी करेंगे। और
फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न जो हैं इस बार चेंज किए गए हैं फ्रेंड्स। प्रीलिमनी एग्ज़ाम्स होंगे, मेंस एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद इंटरव्यू दिए जाएंगे। प्रीलिम्स के जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रीजनिंग के 35 के लिए आपको, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और आपको 20 मिनट अलॉट किए जाएंगे। यानी कि जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि SBI ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, वो सारे एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग के लिए 20 मिनट, क्वांटिटी के लिए 20 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पीड डायल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैबुलरी 30, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 70 दिया गया है और एक घंटा। यानी कि देखते हैं फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग क्या इंग्लिश के लिए कुछ दिया गया होगा। और एक फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, पहले जो है इसके एग्ज़ाम्स एक ही बार हुआ करते थे 120 मार्क्स के, और उस 120 क्वेश्चन हुआ करते थे और उसके बाद वो इंटरव्यू लिया करते थे। लेकिन इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स भी दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स विल लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर मार्किंग। वाओ, वेरी गुड, काफ़ी खुशखबरी है ये फ्रेंड्स कि इंग्लिश की लैंग्वेज जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यानी कि जो भी कट ऑफ मार्क्स सेक्शन कट ऑफ उसके दिए जाएंगे, आपको बस वो क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके ओवरऑल कट ऑफ में उसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैथ रीजनिंग यानी कि आपके जो 70 है कट ऑफ, उसी पर डिपेंड किए जाएंगे। आपको 70 नंबर में कितने नंबर्स आ सकते हैं, टोटल कट ऑफ उसी पर डिपेंड होगा। और मेंस एग्जाम की बात करूँ तो रीजनिंग 30 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसके 90 दिए जाएंगे और 40 मिनट दिए जाएंगे। और जनरल नॉलेज की क्वेश्चन भी 30 होंगे, 60 मार्क्स के, उसके लिए 20 मिनट आपको दिए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम में। और DI के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, 90 मार्क्स के और 40 मिनट दिए जाएंगे। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स और 20 मिनट दिए जाएंगे। यानी और टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स और 2 आवर्स उसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और एसे लिखने हैं जो 25 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आप सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। और विभिन्न जो IT हैं इन सब के लिए भी अलग अलग दिया गया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये सारे वैकेंसीज रिलीज कर दिए गए हैं LIC के, AA के, और जो भी इसके रिगार्डिंग आएंगे, जो भी इसके सेशंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, जैसा कि मैंने बिहार कोऑपरेटिव बैंक में बैक टू बैक सेशंस दिया, मैंने कहा था कि 4 से 5 महीने के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 5 महीने के क्वेश्चन देखने मिले। कटअप के रिगार्डिंग भी वीडियो जल्दी आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल गोल अचीवर को अपना प्यार देते रहे। कीप वाचिंग, और सारे के सारे वीडियोज आप रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।